हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो यूपी कैटेक और बीएचयू और आईसीआर के लिए और अदर्स एग्ज़ाम के लिए जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए जो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ये, और यूपी कैटेक के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम बात करेंगे इसमें कि जो एग्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और इनमें से क्वेश्चन ज़रूर एक नहीं एक क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएगा वीडियो में। और आपको पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर का जो सिलेबस आता है वो 11 और कक्षा 12 से ही आता है, ज़्यादा टप लेवल का नहीं आता। तो इसलिए अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर एक की, एग्रोनॉमी की। तो प्रश्न नंबर एक है, सबसे सरल क्वेश्चन है कि सस्य विज्ञान का पिता माना जाता है, तो सस्य विज्ञान का जो है पिता किसे माना जाता है, तो सस्य विज्ञान का पिता कहते हैं पीटरो डे केर्सेन्जे को, ऑप्शन नंबर ए। तो इन्हें सस्य विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, कि सस्य विज्ञान के जनक कौन है, तो पीटरो डे केर्सेन्जे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं बै, बात करते हैं प्रश्न नंबर दो की। दो है कि रिले क्रॉपिंग के लिए संतति फसल चक्र है, जो रिले क्रॉपिंग होती है उसके लिए सस्य संतति क्या हो, तो उसके लिए मक्का, तोरई और गेहूं और मूंग, ये उसकी फसल चक्र है रिले क्रॉपिंग की, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर तीन की, प्रश्न नंबर तीन है कि 150 फसल चक्र की संघनता क्या होगी, तो 150 जो है फसल चक्र जो संघनता होती है वो क्या होगी, तो उसमें जो फसल चक्र 150 में जो आएगी वो मक्का आएगी और आलू और गन्ना। तो जो ये मक्का और आलू ये हो जाएगी एक वर्ष की फसल, और ये हो जाएगी गन्ना हो जाएगा एक वर्ष का, तो दो वर्ष हो जाएंगे, तो दो वर्ष में अब 150 निकाल दी जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 200 फसल चक्र संघनता ज्ञात कीजिए, तो 200 फसल चक्र संघनता कैसे ज्ञात की जाती है, तो इसके लिए इसका सूत्र होता है, जो फसल चक्र का सूत्र होता है, हमने वैसे ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर ही। तो इसकी जो सूत्र होता है वो होते फसल चक्र में, मतलब जितने भी फसल चक्र हैं, जितनी भी फसल ली गई है फसलों की संख्या, बटे फसल चक्र में जितने भी वर्ष हैं वो वर्ष लिखे जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। तो इस तरीके से हम उन्हें निकाल लेंगे कि इसका सूत्र होता फसलों की संख्या, ये हो जाएगी फसलों की संख्या और बटे हो जाएगी 100, और इधर नहीं सॉरी यहाँ हो जाएगी फसल चक्र वर्ष और यहाँ पर हो जाएगी 100, तो इससे निकाल दी जाएगी। तो जितनी भी फसलों की संख्या है वो संख्या ऊपर लिख ली जाएगी, जितने भी वर्ष हैं फसल चक्र में जितने भी निकलते हैं वो वर्ष यहाँ पर लिख लिए जाएंगे, अगर दो वर्ष में है तो दो वर्ष, और जितनी फसल है वो ऊपर और यहाँ पर गुणा। जैसे दो वर्ष में हमने कोई फसल ली तो दो वर्ष में उग जाएगी, तो ऊपर आ जाएगी 200 बटे नीचे आ जाएगी 2%, तो कितनी निकल जाएगी, 2 से कर दो मल्टीप्लाई तो 100% निकल जाएगी। तो इस तरीके से फसल चक्र निकल जाती है। तो मैं आपको साफ तरीके से बता देता हूँ कि जैसे फसल चक्र निकालते हैं, फसल चक्र के लिए जो सस्य संघनता होती है इसका सूत्र होता है संघनता का, तो संघनता का सूत्र होता है कि फसलों की संख्या, जो फसल होती है उसकी संख्या बटे और फसल चक्र वर्ष, जितने भी वर्ष होते हैं वर्ष नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी। तो इसके लिए अब इसे कैसे निकालते हैं, तो फसल चक्र संघनता ये होगी, तो इसमें लिखेंगे हम ऊपर लिख लेंगे, जैसे हमें दो फसल निकालनी है तो दो वर्ष दो फसल हो जाएंगी। अब दो फसल जैसे कि एक गन्ना ले ली और हमने एक ले लिया गेहूं और धान, तो हमने तीन फसल ले ली, तो तीन फसल ले ली तो ऊपर तीन, अब क्या वर्ष में ली हमने दो वर्ष में, तो गुणा ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, तो ऊपर हम गुणा करेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो 300 हो जाएगी ऊपर, अब 300 बटे 2 आ जाएगी नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितनी आ जाएगी 150%, जैसे हमने अभी ऊपर बताया आपको, तो उसी तरीके से निकल जाएगी 200% संघनता निकल जाएगी। इस तरह से संघनता निकाल दी जाती है, लेकिन ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में, बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें 100 की भी पूछ लेता, 200 की भी पूछ लेता, 300 की पूछ लेता और 33 की भी पूछ लेता, 33.33 की भी पूछ लेता। तो इसमें 200% फसल चक्र संघनता क्या होती है, तो इसकी होती है मक्का, गेहूँ
और चरई, तो ये जो है चार फसल हो जाएंगी ऊपर, चार ऊपर हो जाएंगी और दो वर्ष में उगा ली जाएंगी, तो ये हो जाएंगी ऊपर 400 हो जाएगा, 400/2, तो ये निकल जाएगा 200%, 200% आ जाएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर पाँच की। पाँच है कि एक वर्ष में उसी खेत पर अधिक फसलों को उगाया उगाना क्या कहलाता है, मतलब एक ही वर्ष में उसी खेत पर अधिक फसलों को उगाना, मतलब एक से ज़्यादा फसलों को उगाना, उसे क्या कहते हैं, बहुफसलें कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर छः की। प्रश्न नंबर छः है कि दो मुख्य फसलें के बीच कम समय में ली जाने वाली फसल क्या कहलाती है, मतलब दो मुख्य फसल हैं उनके बीच में जो फसल ली जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अंतर्वर्ती कैच कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर सात के। प्रश्न नंबर सात है कि वर्ष कीट एवं पेस्ट नष्टीकरण एकता पारित किया गया था, मतलब किस वर्ष में वर्ष कीट, जो वर्ष कीट होता है वो पेस्ट नष्टीकरण जो किया गया था एक्ट कब पारित किया गया था, वो किया गया था, तो वो किया गया था 1971 में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर आठ के। प्रश्न नंबर आठ है कि गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, तो गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, टिट्रिकम एस्टिबम। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नौ की। प्रश्न नंबर नौ है कि जो टिट्रिकम एस्टिबम है, मतलब गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि टिट्रिकम एस्टिबम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, और या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 42 होती है गुणसूत्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी डैश डी सही है इसका, ड। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 10 है कि टिट्रिकम ड्यूरम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होती है 14 संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 11 की देर से बुवाई की गई फसलों के बीज दर कितनी होती है, जो गेहूँ की देर से बुवाई जो की जाती है उसकी बीज दर क्या होती है, तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बात करते हैं 12 की। 12 है कि बोनी किस्म की उन्नतशील प्रजातियों के गेहूँ में नत्रजन की दर कितनी होती है, जो बोनी किस्म होती है उसमें उन्नतशील प्रजातियों में गेहूँ की नत्रजन दर कितनी होती है, तो उसमें दर जो होती है वो होती है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ऐसे ही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 13 की गेहूँ, जो गेहूँ होता है, गेहूँ के बीज लिप्त बीमारियों के नियंत्रण के लिए रसायन प्रयुक्त किया जाता, मतलब जो गेहूँ में लिप्त बीमारी लग जाती है उसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता, तो उसके लिए प्रयोग जो किया जाता वो किया था बवस्टीन का। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 है, थोड़ा इसे वो कर लेंगे, तो प्रश्न नंबर 14 है कि गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता, जो गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान होता वो कितना होता, तो 20 से 22 सेंटीग्रेड तापमान होता। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 15 की। 15 की गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी अवस्था है, तो गेहूं की जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी अवस्था है वो है ताजमूल या शिखर जड़ बनने की अवस्थाओं में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। वैसे तो आपको बहुत सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे, तो इनके लिए आपको कुछ याद भी होंगे क्योंकि सब इंटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप एक बार सिर्फ रिवाइज कर लें इनके लिए, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपका बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। 16 है कि उन्नत हलना फसल की जाती है, मतलब उन्नत हलना जो है ये किस फसल की जाती है, तो ये गेहूँ की है। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 17 की। 17 पूसा गोल्ड WR544 फसल की जाती है, तो ये एक उन्नतशील किस्म है, तो किसकी है, ये गेहूं की है। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 है कि जो टिट्रिकेला किसके संकरण से पैदा होता है, जो टिट्रिकेला है वो किसके संकरण से पैदा होता है, तो टिट्रिकेला जो है वो पैदा होता है गेहूं एवं राई से। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर
उन्नीस है कि फेलेरिस माइनस किस फसल में लगता है? तो फेनेलिस जो लगता है ये माइनस, वो गेहूं की फसल में लगता है, ऑप्शन नंबर बे, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं इसे, फेलेरिस माइनस को। तो पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे कि गेहूं का फेलेरिस माइनस किसे कहा जाता है, और यह ऐसे पूछ सकता है कि गेहूं का मामा होता है उसे क्या कहते हैं, तो फेलेरिस माइनस कहते हैं उसे, माइनस, ऑप्शन नंबर बे सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। 20 है कि जो गेहूं का खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो गेहूं में खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण किससे किया जाता है, आइसोप्रोटो ड्यूरान से किया जाता है, ड्यूरान, ऑप्शन नंबर बे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। 21 है कि गेहूं में करनाल बंटन होता है, जो गेहूं में करनाल बंटन होता है वो किसके कारण होता है, तो गेहूं में करनाल बंटन जो होता है वो फफूंदी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर से। बात करते हैं 22 की। 22 है गेहूं में सेहू रोग, जो ईयर कोकिल बीमारी के नाम से भी जानी जाती है, तो वो किससे होती है, जो ईयर कोकिल, या क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि गेहूं का सेहू रोग, और या ऐसे पूछा जाता है ईयर कोकिल जो रोग है वो किससे फैलता है, तो वो किससे फैलता, वो फैलता न्यूमोटोडा से, ऑप्शन नंबर से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। 23 है कि गेहूं में कंबाइन कटाई के बाद छोटे तने का क्या करना चाहिए, जो गेहूं की कंबाइन कटाई के बाद जो छोटा तना होता है उसका क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ज़मीन में पलट देना चाहिए, जिससे ज़मीन में क्यों पलट देना चाहिए, जिससे कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बन जाए, गढ़ सड़कर और जैविक खाद के रूप में वो कार्य करें, तो ऑप्शन नंबर सही सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। 24 है कि चूहा नियंत्रण के लिए दवा प्रयोग किया था, मतलब चूहे के लिए जो प्रयोग किया था वो कौन किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका उसमें प्रयोग किया था जिंक फास्फेट का प्रयोग चूहों के लिए, ऑप्शन नंबर सही सही है इसमें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। 25 है कि गेहूं की असिंचित अवस्था में बोई जाने वाली जाति है, जो गेहूं की असिंचित क्षेत्र में जो बोई जाती है, अवस्था में जो बोई जाती है, वो कौन सी प्रजाति है, तो वो प्रजाति है C306, ऑप्शन नंबर सही सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। 26 है कि एल्बुनियम फास्फेट का व्यापारिक नाम क्या, जो एल्बुनियम फास्फाइड जो है ये जो मार्केटों में मिलती है इसका व्यापारिक नाम क्या है, तो इसका व्यापारिक नाम जो है वो है सल्फांस, ऑप्शन नंबर सही सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27। 27 है कि टिट्रिकम एस्टिबम पादप है, जो टिट्रिकम एस्टिबम है ये पादप किसका, तो ये इसमें जो होते हैं षष्ठगुणीय होते हैं, ऑप्शन नंबर सही सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। 28 है कि सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है, जो धान की उम्र जो होती है कितने दिन में, धान की उम्र जो रोपने तैयार हो जाती है वो कितने दिन में हो जाती है, 21 से 25 दिन के अंदर अंदर रोपने तैयार हो जाती है धान की पौध, ऑप्शन नंबर सही सही है इसका। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। 29 है संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, तो संकर धान की जो प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है वो कितनी होती है, वो 20 किलोग्राम होती है, ऑप्शन नंबर से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 है कि जो खैरा रोग होता है, खैरा रोग की बीमारी किस फसल में लगती है, तो खैरा रोग की किस में लगती है, धान में लगती है, ऑप्शन नंबर सही सही है इसका। बात करते हैं 31 की। 31 है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो धान का जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो बहुत सरल क्वेश्चन है ये, आपके सभी याद होंगे, तो सिर्फ आप रिवाइज कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो बात करते हैं 32। 32 है कि देश में कृषि फसलों में अग्रणी राज्य राज्य व फसल के लिए जोड़े प्रस्तुत गलत जोड़ा इंगित करता है, तो कौन सा जोड़ा गलत इंगित करता है, चाय असम में होती है, या चावल बिहार में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, जूट पश्चिम बंगाल में, तो प्रश्न नंबर 32 का आंसर है कि चावल जो है बिहार में उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 33। 33 है पूसा 11-21 किस फसल की जाती है, तो पूसा जो 11-21 जाती है वो किसकी है, तो वो जाती है धान की, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। 34 है कि डेपोक विधि किस फसल से संबंधित है, तो डेपोक विधि किससे संबंधित है, डेपोक विधि जो है वो है
दान से संबंधित, ऑप्शन नंबर बे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। 35 है कि धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु मचेटी का प्रयोग रोपाई के कितने दिन पश्चात करना चाहिए। जो धान के खरपतवार नियंत्रण के लिए जो मचेटी का प्रयोग किया जाता है उसका कितने दिन बाद प्रयोग करना चाहिए, तो उसका प्रयोग जो करना चाहिए वो 3 से 4 दिन के बाद करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 है कि धान में गंदी बाघ कीट आक्रमण करता, जो धानों में गंदी बाघ आक्रमण जो करता है वो किस समय करता है, तो वो करता है दूधिया अवस्था में करता है, जब दूध निकलता है धान की बालियों में उस समय ये आक्रमण करता है और उनके रस जो दूध होता है उसे चूस लेता है, जिससे उसमें धानों में पटास रह जाती है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 है कि बेबी लोव के अनुसार धान का उद्भव स्थान क्या है, तो बेबी लोव के अनुसार जो है धान का जन्म स्थान कहाँ पर है, वो है भारत बर्म, ऑप्शन नंबर 6 सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 है कि स्टेम एफ 34 खरपतवार नाशी किस फसल में प्रयोग करते हैं, तो किस में प्रयोग करते हैं इसके लिए, इसे प्रयोग करते हैं धान की फसल में, ऑप्शन नंबर 6। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 है कि धान की जो धान के लिए बोई गई हरी खाद की फसल की जो पलटाई धान के रोपने के कितने पूर्व, जो कितने दिन पूर्व कर देनी चाहिए, तो कितने दिन पूर्व, 6 से 7 दिन पूर्व कर देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 6। बात करते हैं 40 है कि धान के धान में जो चावल की प्रतिशत मात्रा होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि धान में जो प्रोटीन मतलब जो धान में चावल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, वो होती है 66% होती है, ऑप्शन नंबर 6 सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 है कि सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल है, तो सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल है वो कौन सी है, वो सोयाबीन है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसमें 40 से 42% तक सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, 40 से 42% तक, तो इसलिए सोयाबीन है सबसे अधिक। बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 है कि जो सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो मध्य प्रदेश। बात करते हैं 43 सोयाबीन में तेल की प्रतिशत मात्रा, वो आगे क्वेश्चन जो हमने अभी बताया था, तो सोयाबीन में तेल की प्रतिशत कितनी होती है, इसमें 40% दे रखी है, अगर हमें 42% दे रखा होता तो हम 42 को ही टिक करते पहले, लेकिन हमें 40 दे रखा है तो 40 और 42 के बीच में हो उसी को टिक कर लेते हैं, नहीं सॉरी इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोयाबीन में तेल की प्रतिशत मात्रा पूछी गई है, तेल की, ताकि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा नहीं पूछी गई, तो प्रोटीन की मात्रा नीचे एक क्वेश्चन उसमें पूछी गई, तो कितनी तेल की मात्रा, तो 20% तेल की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्योंकि जैसे ये है ऐसे ही पूछ लिया जाता है जल्दी जल्दी में, तो उसी को टिक कर देते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। 44 है कि सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 40 से 42% तक, ऑप्शन नंबर 6। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। 45 है कि किरण है पीबीसी किरण पीबीसी 92-21 किस फसल की प्रजाति है या जाति है, तो किसकी है, यह है लाई राई और लाहा की, ऑप्शन नंबर बे सही है इसका। बात करते हैं 46 की। भारतीय सरसों की जाति क्या है, जो भारतीय सरसों है उसकी प्रजाति कौन सी है, तो वो है बरूणा, ऑप्शन नंबर बे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 है कि सरसों की फसल में माहू चेपा पर नियंत्रण पाया जाता है, जो सरसों में फसल में जो माहू चेपा होता है उसके नियंत्रण में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है उसके नियंत्रण में, मेटासिस्टाक्स पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 है पीली सरसों में औसत तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो इसमें बताया पीली सरसों में औसत तेल की प्रतिशत मात्रा तो कितनी होती है, 40% तक होती है, ऑप्शन नंबर बे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। 49 है प्रश्न नंबर 49 है कि सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए जो पेडी मेथिलीन का प्रयोग किया जाता है वो किस समय किया जाता है, तो इसका जो पेडी
प्रयोग किया था वो जमने से पहले किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 50 के 50 की उपहास जो 120 किस्म है वो किसकी है, तो वो किसकी है, अरहर की है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो हमारी वीडियो में जो है 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को छोड़ के न जाएँ। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की 91 है, जो अरहर में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, जो अरहर है इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, कितनी पाई जाती है अरहर में प्रोटीन की मात्रा। तो अरहर में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 20%। ऑप्शन नंबर ब। बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 की 52 है कि मटर में निम्न प्रजातियों में से कौन सी सब्जी वाली प्रजाति है, मतलब इनमें जो है सब्जी वाली प्रजाति कौन सी है, तो वो है अर्किल। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 53 की 53 है कि किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन की न्यूनतम मतलब कम से कम जो मात्रा होती है वो मटर में होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें न्यूनतम कम से कम मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की 54 है कि शंकर जो शक्तिमान वन है वो किस फसल की जाती है, तो शक्तिमान फन वन जो है वो मक्के की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अंबर, अंबर एक किस्म है, तो अंबर जो है किसकी एक किस्म है, मक्के की ही किस्म है। ऑप्शन नंबर बी। और एक नहीं एक प्रजाति ज़रूर आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी कि ये प्रजाति किसकी है, या आपको नाम दे देगा किसी फसल का, उसकी एक प्रजाति पूछेगा, प्रचलित प्रजाति या बोनी प्रजाति, इस तरीके से ही पूछ सकता है, तो इसलिए प्रजातियों को ध्यान से देखें। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 है कि निम्न में से कौन सी संकुल मक्का की जाति नहीं है, तो संकुल मक्का की जाति नहीं बतानी है इसमें, नहीं, एक बार इसे ढंग से पढ़ लें कि क्या पूछा है क्वेश्चन ने आंसर, तो नहीं पूछा है इसमें, नहीं कौन सी है, गंगा 5। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 की 57 है कि मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सिमेजीन का प्रयोग किया जाता है, तो मक्का में जो खरपतवार के नियंत्रण हेतु सिमेजीन का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पहले पहले, मतलब जो किले फूट आए उनसे पहले पहले प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 58 की प्रश्न नंबर 58 है कि संकर ज्वार की जलमांग कितनी होती है, संकर ज्वार की जलमांग होती है 550 से 570 मिमी प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 है कि HCN की समस्या पाई जाती है, तो HCN की जो समस्या पाई जाती है वो पाई जाती है ज्वार में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 की 60 है कि वर्षा प्रजाति जो है वो किसकी है, तो वर्षा प्रजाति है ज्वार की। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 है कि सूट फ्लाई जो नुकसान पहुंचाता है वो किस फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो सूट फ्लाई जो है वो पहुंचाता है ज्वार को नुकसान। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 62 की 62 है, बहुकटीय कटाई वाली ज्वार की चारे की जाति कौन सी है, मतलब वो कौन सी प्रजाति जिसकी चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक कटाई के बाद दूसरी तैयार हो जाती है, तो वो कौन सी है, MP चरी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक माइट्रस को भी नियंत्रित करता है, तो माइट्रस जो होता है उसके नियंत्रित कौन करता है, वो करता है साइपरमेथिलीन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 है, बाजरे का जन्म स्थान एग्जाम में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है कि बाजरे का जन्म स्थान क्या है, तो बाजरे का जो जन्म स्थान है वो है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर पूसा 223 प्रजाति किसकी है, तो पूसा जो 23 है, पूसा 323 जो वो किसकी प्रजाति है, वो प्रजाति है बाजरा की। ऑप्शन नंबर बी ए सॉरी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 है कि अर्कट रोग किस फसल से संबंधित है, तो अर्कट रोग बाजरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 67 प्रश्न नंबर 67 है कि सबसे अधिक बाजरा उत्पादन राज्य कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा बाजरा जो उत्पादन किया जाता है वो कौन से राज्य में किया जाता है, वो राजस्थान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 है कि एक हेक्टेयर में बाजरा का जो बीज पड़ता है वो कितना पड़ता है, तो एक हेक्टेयर में जो बीज पड़ता है वो पड़ता है 4 से 5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 69 की। 69 है कि चने का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सिसर एरेटिनम, ऑप्शन नंबर बे सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की। प्रश्न नंबर 70 है कि जो अवरोध उटका जो अवरोधी प्रजाति है किस फसल से संबंधित है। तो उटका जो अवरोधी है वो किससे संबंधित है, वो है चना से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 71 71 है कि इनमें से तिलहनी फसल कौन सी है। तिलहनी वाली मतलब तेल वाली फसल कौन सी है। तो इनमें से जो है तेल वाली वो है मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 72 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल की न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है। जो सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है वो किस फसल को होती है, तो वो चने को होती है, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 73 73 की सद्भावना किस फसल की प्रजाति है। तो सद्भावना जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, सद्भावना किसकी प्रजाति है, सद्भावना यह है चना की, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 74 की। प्रश्न नंबर 74 है कि चना में उटका रोग किसके कारण लगता है। जो चना में उटका रोग होता है वो किसके कारण लगता है, तो वो फफूंदी के कारण लगता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 75 है कि चने के फली भेदक के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। जो चने में जो फली भेदक होता है उसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए किया जाता है इंडोसल्फान 35EC का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 की। 76 है कि निम्न में से किसके द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण किया जाता है। तो नत्रजन जो स्थिरीकरण किया जाता है वो किया जाता है मूंगफली में, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 77 है कि निम्न में से कौन सी फसल भूमि के अंदर तैयार होती है। तो भूमि के अंदर जो फसल तैयार होती है वो कौन सी है, वो मूंगफली है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 78 की। 78 की मूंगफली का जन्म स्थान क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि जो मूंगफली का जन्म स्थान क्या है। तो मूंगफली का जो जन्म स्थान है वो है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 की। 79 है कि जो पेंगिंग डाउन जो अधिकीलन किस फसल से संबंधित है। तो जो पेंडिंग है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मूंगफली से संबंधित है। जो अधिकीलन की क्रिया होती है वो मूंगफली में होती है, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर ये है मूंगफली, ऑप्शन नंबर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। प्रश्न नंबर 80 है कि जो टिक्का रोग का प्रकोप होता है, जो टिक्का रोग होता है इसका प्रकोप जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो मूंगफली में होता है टिक्का रोग का प्रयोग, ऑप्शन नंबर दें। बात करते हैं 81 81 की मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप होता है। जो मूंगफली होती है उसमें जो सबसे अधिक प्रयोग होता है वो किसका होता है, सफ़ेद गिनाड़ का, ऑप्शन नंबर दें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 82 है कि मूंगफली में जो अंतर सस्य क्रिया नहीं होती है, जो अंतर सस्य क्रिया नहीं होती वो कौन सी नहीं होती है। तो अंतर सस्य जो नहीं होती वो अधिकीलन या सुइयां बनाने की अवस्थाओं में नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 83 83 की तीन ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। जो तीनों ऋतुओं में जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी फसल है, तो वो सूरजमुखी है, जो तीनों मौसम में उगाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 84 84 है कि जो दिवस जो निष्प्रभावी पौधा होता है वो कौन सा होता है। तो निष्प्रभावी जो पौधा होता है वो होता है सूरजमुखी का, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 85 85 निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। तो इनमें से बताना है कि जो दलहनी फसल नहीं है वो कौन सी नहीं है, कपास, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 86 86 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहिया किसकी प्रजाति है। ये एग्जाम में पूछी गई है कि लोहिया जो है किसकी प्रजाति है, तो लोहिया जो प्रजाति है वो कपास की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 87 87 की कपास में ओटाई प्रतिशत होती है। जो कपास में ओटाई की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो ओटाई में जो होती है वो होती है 24 से 43% तक, ऑप्शन नंबर सी सही है। और भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक तो बनता है आपका, तो लाइक ज़रूर कर दें। और जो चैनल पर नए हों वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो अब बात करते हैं
प्रश्न नंबर 88 88 कपास के विनिर्माण में जो तेल की प्रतिशत मात्रा होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो कपास होती है उसमें जो तेल विनिर्माण जो होते हैं कपास में, उनमें तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो उनमें होती है 18%, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 89 है कि अमेरिका कपास में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो अमेरिका कपास में 26 गुणसूत्रों की संख्या होती है। बात करते हैं प्रश्न बी, बह की संकर चार प्रजाति जो है वो किसकी है, तो वो किसकी है, वो कपास की प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 91 है कि जो अमेरिकन कपास की सामान्यतः दूरी क्या होती है, तो उसकी दूरी जो होती है 60x60 सेंटीमीटर की होती है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 92 कपास में जो कुल संबंधित है, फसल का जो कपास का कुल है वो किससे संबंधित है, तो कपास का कुल जो है वो मालवेची से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 93 है कि अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होती है, तो अमेरिकन कपास जो उसकी बीज दर कितनी होती है, 20 से 25 किलोग्राम होती है, ऑप्शन नंबर ए बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 94 कि कपास के रेशे का मुख्य अवयव क्या है, तो जो कपास के रेशे का जो मुख्य अवयव है वो क्या है, वो है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 95 कि गन्ने की अगेती पकने वाले प्रजाति कौन सी है, तो गन्ने की जो सबसे अधिक आगे जो पक जाती है प्रजाति सबसे पहले वो कोसा चौरासी छत्तीस है, ऑप्शन नंबर सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 96 है कि एक हेक्टेयर में गन्ना बोने हेतु बीज दर कितनी होती है, तो उसके लिए जो जरूरत होती है एक हेक्टेयर गन्ना में बोने के लिए वो होती है 30,000 से 40,000 टुकड़े की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 97 है कि बसंतकालीन गन्ने की बीज दर कितनी प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, तो बसंतकालीन जो गन्ना होता है उसकी होती है 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 98 है कि जो जो शरदकालीन गन्ना होता है उसकी बुवाई की जाती है, तो उसकी बुवाई जो की जाती है किस समय की जाती है शरदकालीन गन्ने की, तो वो की जाती है अक्टूबर के माह में की जाती है, ऑप्शन नंबर सी, जिसे ओटम बोलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 99 पके हुए गन्ने में विक्स प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो जो गन्ना होता है उसमें विक्स की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 18%। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गन्ने में जो विक्स की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 18% तक होती है। अब प्रश्न नंबर हम बात करते हैं जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सो गन्ने में सक्रा जो सुक्रोज की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत तक होती है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप को बताना कि गन्ने में जो सक्रा सुक्रोज होती है उस कितनी मात्रा होती है, तो 8%, 10%, 16% या 20%, तो जो इसमें प्रतिशत मात्रा होती है उस वो प्रतिशत मात्रा आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बतानी है कि कितनी होती है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।